मैं अनामिका, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए कितनी बढ़िया केक बन के तैयार हुई है हमारी, बिल्कुल ये फ्लफी। ये देखिए हाथ से छू के आप देखेंगे, ये बिल्कुल ये फ्लफी केक बनती है, ऊपर से भी और साइड से भी बिल्कुल नरम केक है। और ये पैन में भी मैंने बनाया है और ये कप में भी बनाया है, दोनों चीज़ में मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ये दोनों में बहुत अच्छे से बन जाती है, फटाफट बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बनाना और आटे का केक बना रही हूँ, बनाना भी बहुत हेल्दी होता है, जो पक जाते हैं बनाना, आप थोड़े ज़्यादा भी पक जाएं तो भी आराम से बन जाएगी। पके हुए केले की और आटे मिक्स करके, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हमारे हेल्दी ही हैं, कोई भी इसमें मैदा कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है मैंने। आटे, दही, घी एंड बनाना, इन सब चीज़ों से मिक्स करके मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। लाइक बटन दबाना भूल जाते हो आप, एंड शेयर करना भी भूलें नहीं भूलें। अगर आपको पसंद आए, किसी को अगर बनानी हो तो ये डिश शेयर ज़रूर करें, थैंक यू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले 2 केले लिए हैं हमने, 2 केले को छील के इसमें डाल देंगे, ये काले जो निकल रहे हैं उसको हटा देंगे। अब इन दोनों केलों को अच्छे से मैश कर देंगे। हमने इसे मैश कर देना है ताकि अच्छे से ये मिल जाए, मैश हो जाए। बनाना हमें बिल्कुल पके हुए ही लेने हैं। अब बनाना हमारा मैश हो चुका है, अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए जो सामान, तो हम 1 कटोरी चीनी ली है हमने, सेम इसी इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी दही ली है और इसी से 1 कटोरी घी लिया है। बराबर मेजरमेंट में तीनों चीज डाला है। चीनी को पहले हम पीस लेंगे, अब ये चीनी हमारा पीस चुका है। पीसने के बाद इसे अभी अभी एज इट इज रखेंगे, तुरंत ढक्कन को हम खोलेंगे नहीं, अदरवाइज ये इसमें जो एयर होता है, धूल जैसी चीनी में होती है, वो उड़ने लग जाती है। अब इसमें हम दही डालेंगे, दही को अच्छे से इसमें मैश करेंगे। हम एगलेस बना रहे हैं तो एग की जगह हम दही डालेंगे, अच्छे से दही और बनाना को मैश करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जानी चाहिए। ये अब हमारी अच्छे से मैश हो गई है, अब इसमें घी डालेंगे, 1 कटोरी घी जो हमने ली थी वो पूरा घी डालेंगे, और ये चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरी चीनी डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मैश करना है हमें, अब इसे मैश हमें एक ही रोटेशन में करना है। चीनी और घी को अच्छे से मैश करेंगे हम। अब हम डालेंगे आटा, जितना हमने आटा लिया, घी लिया है या दही लिया है, उसका डबल हमें आटा चाहिए। तो इसमें हमारा हमारा अगर 50 ग्राम घी है तो 100 ग्राम आटा हमें चाहिए, हमें हमने छान लेना है इसे, बिना छाने हुए हमें कभी यूज नहीं करना है। सभी आटा छान लिया हमने, अब इसे धीरे धीरे अच्छे से मैश करना है, अच्छे से मिल जानी चाहिए हमें। बर्तन आपको छोटा लगे तो बड़ा ले लें, जितना बड़ा बर्तन होगा उसमें अच्छे से मैश करने में इजी होता है। ये हमारी अच्छे से मैश हो रही है, ये हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ही डालेंगे हम, फ्रिज में से मैंने पहले ही निकाल दिया था आधे घंटे पहले,
ऐसे अच्छे अच्छे दूध डाल डाल के हम मिक्स करते जाएं। अभी हमारा घोल हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, आपके पास अगर एसेंस हो कोई तो एसेंस डाल लेना, और 1 स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे एंड 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। इन सबको डाल के छान लेंगे ताकि जो गुठलियां हैं वो ना रहे, और छानने के बाद अच्छे से इसको फिर से हम मैश कर लेंगे। और घोल हमारा देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसे उठाने पे ऐसे ऐसे ये देखिए ऐसे गिर जाती है, ये इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घोल की डो की। और अब ये इसे हम 10 मिनट छोड़ देंगे, तब तक 10 मिनट में हम गैस पे कढ़ाई गर्म करने को चढ़ा देंगे। हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे, ओवन में नहीं बनाएंगे। और पैन को तैयार करेंगे पहले। ये हमारा डो तैयार हो चुका है, डो को ढक के रख देते हैं और फिर अब हम इसकी पैन को गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं। पैन में हमने घी लगा दिया और चारों तरफ से आटा लगा दिया है। आटा लगा के इसे चारों तरफ से ऐसे गोल घुमा देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ये होगा वो चिपक के और निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि डो है वो हमारा नीचे चिपकता नहीं है। देखिए चारों तरफ से हमारी इसमें पैन में आटे लग चुके हैं, जो एक्स्ट्रा होंगे इसे हम हटा देंगे। ये ऐसे हमारा, अगर आपके पास ये पेपर हो तो पेपर लगा सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसमें ऐसे लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक भी डालूंगी, मैं नमक डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी चेरी और ये किशमिश मैंने आटे में मिक्स करके रखा है। आप अगर मैदे वाली में बना रहे हो तो मैदा मिक्स करके रखना, मैं आटे वाली में बना रही हूँ तो मैंने आटा मिक्स कर दिया है इसमें। इससे क्या होता है कि इसमें ये नीचे को नहीं जाता, सारे में अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाता है। इसको अब हमने मिक्स कर देना है। और ये इसमें नीचे भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है गार्निश के लिए। और अब ये पैन का अब हम इसमें डालेंगे, पूरा भर के हमने नहीं डालना है, आधा ही डालना है। जो घोल हमारा बच जाए उसे हम दूसरी बार में भी बना सकते हैं दोबारा फिर, और फिर इसको अच्छे से 2-3 बार ऐसे हिला देना है ताकि ये अच्छे से हमारा अंदर इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब इसमें ऊपर से हम गार्निश के लिए चेरी और ये किशमिश, आप ड्राई फ्रूट जो भी चाहें डाल सकते हैं, बादाम, चेरी, काजू, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट चाहें डाल सकते हैं। अब ऐसे डाल दिया, तब तक हमारा वो भी अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें सावधानी से बिल्कुल आराम से हमने ये डाल देना, और फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 50 मिनट, 45 से 50 मिनट कम से कम इसे पकने देना है। बचे हुए घोल को मैंने, जो थोड़ा सा घोल हमारा बच गया था उसमें से, उसको मैंने कप में डाल दिया। इसका मैं कप केक बना दूंगी, कप में डाल के मैंने प्लेट में डाल दिया। जब वो तैयार हो जाएगा तो इसका मैं कप केक बना लूंगी, तो आप बचे हुए को यूज भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। बिल्कुल, अब हम इसे इसमें, अब ये देखिए केक हमारा बन के पूरा तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसे ऐसे इसमें पलट देंगे, ये देखिए बिल्कुल फ्लफी बन के तैयार हो गई है। अब इसे पलट के हम ये चाकू से काट के देखते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल नरम है हमारी। ये देखिए हाथों से ये करके देखिए, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी केक बन के तैयार हुई है। तो चलिए आप भी बनाइए और बना के ट्राई करें कैसे बनी है। तब तक हमारा वो कप केक भी तैयार हो रहा है, ये कप केक भी हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं इसमें ऐसे पलट लेती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बन के ये तैयार हुई है। इन सारों को मैंने ऐसे ही इसमें पलट लिया है, ये देखिए ये हमारी कप केक भी बन के तैयार हो गई और ये वाली केक भी बन के तैयार हो गई। ये दोनों केक देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है और बहुत ही जल्द आसानी से बन जाता है। टाइम तो लगता है थोड़ा, ये नहीं कहूँगी कि जल्दी बनेगा, टाइम तो लगेगा थोड़ा, बट
बहुत अच्छे से बन जाता है ये। तो चलिए आप भी बनाएं और बना के ट्राई करें कि कप केक और पैनकेक दोनों एक साथ आराम से बन जाएगी। थैंक यू सो मच।